गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तो तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाक़ात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाक़ात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाक़ात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाक़ात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाक़ात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर कर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाक़ात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाक़ात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले अमरिस पुरी बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे यूट्यूब प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाक़ात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रहते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक बेहतरीन सनी देवल और अमीषा पटेल की प्रेम कहानी को लेकर बनाई गई फिल्म है जो बेहतरीन किरदारों में देखी जा रही है और ऐसे में गदर एक प्रेम कथा को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता कि यह तारा सिंह यानी सनी देवल और सकीना यानी अमीस पटेल की प्रेम कहानी है फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते हैं और इसी दौरान वो पिछले समय को याद करते हैं जब उनकी मुलाकात सकीना यानी कि अमीसा पटेल से कॉलेज में हुई थी ऐसे में आपको बता दूं कि वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आते हैं और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं बाद में सकीना को लगता है कि दंगे में उसके पिता यानी अशरफ अली यानी कि बेहतरीन किरदार निभाने वाले पुरी। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोनों शादी कर लेते हैं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता है और ऐसे में आगे क्या होता है इसे तो आप मूवी में ही देख सकते हैं और ऐसे में आप इस मूवी को देखने के लिए कई प्रकार का प्रयास कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से यह यूट्यूब पर नहीं डाली गई है यह अनऑफिशियल रूप से नहीं देखी जा सकती इसलिए आप इसे YouTube प्रीमियम पर ख़रीद कर ही देख सकते हैं और वहाँ से ही देखना आपके लिए सेफ़ रहेगा ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद